अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं बना रही थी रेड सॉस पास्ता इफ्तारी के लिए, और वो मैं क्यों बना रही थी, अरे सब्र करें, बताती हूँ। तो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि हम आज जा रहे थे अपनी बड़ी खाला के घर, और वहाँ पर आज हमारी थी वन डिश पार्टी, और वहाँ पर आ रहे थे हमारे मामू लोग। तो हमने सोचा क्यों ना अम्मी और उनकी बहनें वन डिश कर लें। तो खैर, वो पैकिंग वगैरह कर ली, टाइम नहीं मिला, तो मैंने डायरेक्ट रोड की वीडियो बना ली। तो उसके बाद जल्दी से हम पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पर इफ्तारी हमने लगाई। वहाँ पर हमने सो मैनी डिशेस बनाई थी। तो वहाँ पर हमने बनाए थे मैक्रोनी, छोला, काठियावाड़ी छोला, रोल, समोसे, पिज़्ज़ा, और बहुत ही कोई ज़्यादा वैरायटी थी हमारे डिशेस में। उसके बाद यहाँ पर हम सब जेंट्स डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे, और हम दूसरे रूम में बैठे थे लेडीज़। और यहाँ मेरी कज़न हमें पहले पढ़ाने लगी, उसके बाद पता नहीं क्या अपनी ज़बान में बात कर रही थी, और उसके बाद नाराज़ होकर बैठ गई। अरे भाई, पहले हमें समझाओ तो सही, आप कहना क्या चाह रही हो। बट उतनी देर में हमारी चाय बनकर तैयार हो गई, और यहाँ पर हम लोग चाय पीने लग गए, और उसके बाद हमारा प्लान बन गया शॉपिंग पे जाने का। और यहाँ पर मेरी कज़न और मैं नीचे वेट कर रहे थे बाकी सब नीचे आ जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो यहाँ पर हम मॉल जैसे ही पहुँचे तो भाई साहब, इतनी ज़्यादा रश थी कि बस। और हम यहाँ पर स्टाइलो शॉप पे आए क्योंकि हमें देखने थे शूज़, और यहाँ पर मेरी कज़न्स भाग ऐसे रही थी जैसे कि बस आज सेल लगी है और ये सब उठा लेंगी। यहाँ पर मेरी शॉपिंग डन हो गई तो मैंने थम्स अप कर दिया, और यहाँ मेरी कज़न्स दोनों ये थक इतना गई थी कि सीढ़ियों पर स्टेयर्स पर आकर बैठ गई। सोडा पिया, और उसके बाद हमने टाइम देखा तो रात के 3 बज गए थे, बट रश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो हम लोग चले गए सैरी करने, और आज हम आए थे सैरी करने के लिए अलहज अख्तर पे। हमने यहाँ पर लास्ट ईयर भी ट्राई किया था तो हमें अच्छा लगा था, और यहाँ पर मेरी कज़न मुझे ज़बरदस्ती फूल लेते हुए और यहाँ पर ये मेरी दूसरी छोटू सी कज़न यहाँ पर बिल्ली बनने की एक्टिंग करते हुए, और सबको कोशिश कर रही थी कि मैं डरा दूँ। अब इससे कौन डरेगा, और बिल्ली से कौन ही डरता है आज कल। और यहाँ पर हम लोग सब बैठे हुए थे, और कुछ मुँह छुपाते हुए तो कुछ ऐसे ही आते हुए सामने। और यहाँ पर मेरे मामू ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए पोज बनाता हूँ, विक्ट्री साइन कर रहे थे मेरे व्लॉग में आने के लिए और यहाँ पर हमारी सैरी आ गई। सैरी के बाद हमने जल्दी से चाय पी क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला था। तो मेरा व्लॉग यहाँ पर ही एंड होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।